नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मरीजों के लिए है जिनके लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस उनका डेली रूटीन में होना चाहिए, मगर क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए उसको लेकर के वे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर में है। अगर आपको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे पहले हाथ में शुरू होता है। इसका जो सिम्टम्स है, खास करके सर्दियों के मौसम में हमारे उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स है उसमें, दोनों हाथों की उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स है उसमें दर्द स्टार्ट होता है। तो जैसे ही अगर आपके डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है तो आपको एक्सरसाइजेस तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो हमारा एक्सरसाइजेस का पर्पज़ ये है कि हम जॉइंट्स में मोबिलिटी, जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आने वाला है उसको प्रिवेंट कर सके, आसपास की मांसपेशियों को मजबूत कर सके। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसके लिए देखिए, कलाई के लिए है, उसके लिए आप इस तरह से अपने हाथों को सीधा कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से, अगर मैं साइड व्यू में दिखा दूँ तो इस तरह से ठीक है। आप थोड़ा सा ओवर प्रेशर भी दे सकते हैं, ये स्ट्रेचिंग टाइप का हो जाएगा। आप अपने दूसरा हाथ ले और इसको इस तरह से दबाएंगे, ठीक है। ये कोहनी आपका मुड़ना नहीं चाहिए, दबाएंगे फिर इस तरह से ऊपर की तरफ भी इस तरह से दबाएंगे। उसी तरह से आप दूसरे हाथ में इस तरह से दबाएंगे फिर ऊपर की तरफ इस तरह से दबाएंगे। उसके बाद उंगलियों के लिए आप ये वाला एक्सरसाइजेस, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो उंगलियों का भी जो मूवमेंट है वो बना हुआ रहेगा और आसपास उंगलियों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसमें भी स्ट्रेंथ आएगा। या फिर एक और तरीका है, ये जेल बॉल, ये सिलिकॉन जेल बॉल है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हैं। इसको भी आप इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे तो एक तरह से ये आपका उंगलियों का भी एक्सरसाइज हो जाएगा और हाथ के पाम के आसपास जितने भी मांसपेशियां हैं उसको भी मजबूत करने में ये आप हेल्प करेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों हाथों में करना है। उसके बाद हमारा एल्बो का, ठीक है, एल्बो के लिए आप इस तरह से ये देखिए, या फिर इस तरह से करके ये करेंगे एल्बो में भी स्टिफनेस आने का चांस रहता है। उसके बाद फिर कंधे के लिए आप इस तरह से सर ऐसा सर्कुलेट करेंगे, सामने की तरफ अगर 10 बार करें फिर पीछे की तरफ 10 बार करें इस तरह से, ठीक है, फिर आगे की तरफ 10 बार करें, फिर पीछे की तरफ 10 बार करें। उसके बाद फिर आप अपने हाथों को इस तरह से जोड़ लें और फिर सीधा इस तरह से उठाएं। अगर मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूं, इस तरह से करें और सीधा उठाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये कंधे के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका जॉइंट में स्टिफनेस कम होगा। या फिर आप रोप एंड पुली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास देखिए ऑलरेडी एक रोप एंड पुली है और ऊपर में एक पुली लगा हुआ है जिसको हिंदी में घिरनी कहते हैं। तो ये भी एक कंधे के लिए ये मेरा बड़े सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। आप इसको इस तरह से अपने हाथों में पकड़ लिए और फिर इस तरह से आप करेंगे। ये देखिए अगर मैं सामने से दिखा दूँ, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, इससे आपका कंधा काफ़ी फ्री होगा। इसी को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद है कमर के लिए एक्सरसाइजेस। कमर के लिए आप थोड़ा सा ऐसे इस तरह से ट्विस्ट, दोनों तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा जाम हो गया है कमर तो आपको थोड़ा सा चटकने का भी आवाज़ आ सकता है, तो उसको घबराना नहीं है, वो चटकने का आवाज़ नॉर्मल है। फिर इस तरह से साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह से। पैर आपका दोनों थोड़ा सा गैप रहेगा दोनों पैरों के बीच में और फिर आप इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हम लेट के भी कर सकते हैं, इसमें कमर और हिप के लिए आता है, नी के लिए भी आता है। तो हम इस तरह से सीधा लेट जाएंगे और उसके बाद फिर कमर के लिए जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसके लिए हम
इस तरह से साइडवेज ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए साइडवेज इस तरह से ट्विस्ट करना है, ये कमर का स्टिफनेस को रोकने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका हिप के लिए इस तरह से आप ये दोनों नी को बेंड कर लेंगे और फिर आप इस तरह से, इसमें देखिए नी और हिप दोनों में मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। ये जितने भी एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ आप इसे रेगुलरली करेंगे और दिन में आधा घंटा टाइम दें और आधा घंटे में जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने बताया है उसको आप कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए इससे आपका जॉइंट में स्टिफनेस भी कम होगा और फिर आपके जो मांसपेशियां हैं उसमें भी आपका ये स्ट्रेंथ आएगा। उसके बाद एंकल के लिए आप इस तरह से फिर इसको इस तरह से घुमाना, ये चीज़ आप बैठ के भी कर सकते हैं, ये देखिए बैठ के इस तरह से एंकल को इस तरह से करना है, फिर ऐसे सर्कल बनाना है, फिर इसका ऑपोजिट में भी सर्कल बनाना है। रेगुलरली आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका काफ़ी हद तक आपका जॉइंट्स में स्टिफनेस कम हो गया है। एक और एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को बताना भूल गया, गर्दन, देखिए नेक में भी स्टिफनेस आने का चांस रहता है तो उसके लिए भी आप साइडवेज इस तरह से बेंड करें, साइडवेज बेंड किए उसके बाद फिर लेफ्ट राइट इस तरह से आपको रोटेट करना है, इससे आपका नेक में भी जो स्टिफनेस डेवलप हो रहा है वो भी धीरे 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 रिलीफ हो जाएगा आपका। ये सब एक्सरसाइजेस आप सब जो पूरा जो एक्सरसाइज का जो सेशन है वो कम से कम आप आधा घंटा करेंगे दिन में एक बार, और अगर आप दो बार करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप दो बार करेंगे और पेन बढ़ गया तो आपको दो बार नहीं करना चाहिए, एक ही बार करना चाहिए दिन में आधा घंटा के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा लगा ये वीडियो आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकायत हो तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को ये बेनिफिट करे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।